तो फ्री में सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटी पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है किचन प्लेटफॉर्म। तो इसके हम कुछ थोड़े से बेसिक्स देखने वाले हैं आज, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर हमको हम ध्यान में रखना है कि किचन प्लेटफॉर्म का हाइट, ₹820 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं अप टू 820 mm, ठीक है। उससे नीचे भी रहता है दोस्तों, ठीक है। और इससे थोड़ा बहुत इससे ऊपर तो जाना नहीं चाहिए उसका हाइट, लेकिन अगर आपका घर में बहुत ज़्यादा हाइटेड लोग हैं, लेडीज़ भी वगैरह, ठीक है, तो ये एज़ पर रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 820 mm से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसका ये यानी कि 32 इंच आप पकड़ लीजिए उसको, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन तो किया नहीं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 820 mm का कितना इंच होता है, तो उतना इंच वो लास्ट रहेगा उसका, ठीक है, हाइट। अभी उसका विड्थ किचन प्लेटफॉर्म का विड्थ है ना, वो भी तकरीबन सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। 32 इंच ही रहेगा शायद 820 mm का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको अगर ज़्यादा लंबा भी होगा तो आप क्या हो सकता है कि समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ठीक है, ये लंबाई है किचन प्लेटफॉर्म का। अगर ये ज़्यादा लंबाई के मतलब ये और चौड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है, कोई लेडी खड़ी है, ठीक है, तो उसका हाथ यहाँ पे कुछ रखा है, ठीक है, बर्तन या फिर कुछ भी, तो यहाँ से यहाँ तक उनका हाथ भी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। तो ये इसी के लिए ये थोड़े छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। और ये कम से कम हम मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना अच्छा रहता है ना विद में, तो उसका विद कम से कम 28 इंच लेना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी तीसरा पॉइंट, एक पेंट्री प्लेटफॉर्म रहता है हमारा, ठीक है, पेंट्री प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा जो भी कुकिंग वगैरह कंप्लीट होता है, ठीक है, ये किचन है समझ लीजिए, तो इसके अपोजिट में एक पेंट्री रहता है, या फिर जगह के मुताबिक आप किधर भी दे सकते हैं, ए साइड, है ना। तो समझ लीजिए ये किचन जैसा ही प्लेटफॉर्म रहता है। जब हमारा यहाँ पे कुकिंग वगैरह काम ख़त्म होता है तो यहाँ से सभी मटेरियल हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम पेंट्री प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला। तो पेंट्री का प्लेटफॉर्म, इसका हाइट क्या रहेगा, ये पेंट्री प्लेटफॉर्म का भी अपना इसके मुताबिक रहेगा, सेम एज किचन, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत 1-2 इंच कम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहिए, है ना, नहीं तो एक ही लेवल में, लेकिन लिया तो भी कोई उसमें अड़चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका विद रहता है किचन प्लेटफॉर्म से छोटा ही रहता है, ठीक है, हमेशा। अगर आपको मतलब बड़ा चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन इससे छोटा ही रहना चाहिए कि वो अच्छा दिखता भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कम से कम 24 ज़्यादा से ज़्यादा 24 इंच और कम से कम उसको 15 या 16 इंच रखेंगे, ठीक है, मिनिमम, ये मैक्स, ये हो गया हमारा पेंट्री प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी इसको हम प्लेटफॉर्म किचन प्लेटफॉर्म हम रेडी कैसे करने वाले वो देखते हैं, ठीक है, उसका टॉपिक है अपना। अभी जहाँ पे हम किचन प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें सबसे पहले वर्टिकल मेंबर लगाने पड़ते हैं, जो कि हम उसको कड़प्पा भी बोलते हैं, ठीक है, कड़प्पा बोलते हैं। तो
तो ये कड़प्पा खड़े करने के लिए हमें वाल को जरी मारना पड़ता है, ठीक है, कटिंग करना पड़ता है दीवाल, है ना जी। समझ लीजिए ये इतना साइज का अगर कड़प्पा है वर्टिकल में अगर ऐसा देखा जाए तो ये वाला देखिए, तो इतना हमें इससे थोड़ा मोटा जरी मारना पड़ेगा हमें, ठीक है, दीवाल में, ताकि वो उसमें घुस सके वर्टिकल मेंबर, ठीक है। एक मशीन भी रहता है ग्राइंडिंग मशीन, उससे भी आप मार सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक रहता है हमारा जो वर्टिकल मेंबर है ये, ठीक है, ये वाला हम वो जहरी में क्या बोलते हैं अपना ये कंक्रीट मिक्स में फिक्स करते हैं, ठीक है, वो भी 90 डिग्री में फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक केमिकल भी आता है, ठीक है, रेडी मिक्स रहता है वो, तो रेडी मिक्स के मतलब जैसे कि अपना ये P9, P10, ठीक है ना, एडहेसिव रहता है, एडहेसिव, ठीक है, उसकी मदद से भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। उसको भी क्यूरिंग पीरियड देना पड़ता है, ठीक है, वो भी आप देखना है, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन थोड़ा सा उसको क्यूरिंग करना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा 7 दिन बहुत हो गए उसको। अभी अगला अपना ब्लैक, जो भी ब्लैक ग्रे या फिर ओशन ब्लू या फिर मार्बल वगैरह जो भी आपको उसके ऊपर हमें एक हॉरिजेंटल मेंबर डालना पड़ता है, ठीक है। अभी खड़ा वाला मेंबर तो हो गया हमारा, ठीक है, अभी एक हॉरिजेंटल मेंबर। ये दो तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है, थीके? एक तो कड़प्पा ही रहेगा, ठीक है, और दूसरा अपना ग्रेनाइट, कोई भी ग्रेनाइट हो सकता है या फिर मार्बल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब ये दो तरह के अपने हॉरिजॉन्टल मेंबर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें वो वर्टिकल मेंबर के ऊपर वर्टिकल मेंबर के ऊपर हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर रहेगा, अभी हॉरिजॉन्टल मेंबर जब वर्टिकल मेंबर पे हम रखते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको हम क्या करेंगे, एक नीचे से जहाँ पे ऐसा वर्टिकल मेंबर जो जहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आने वाला है, वहाँ पे मार्किंग कर लेना है, वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मेंबर को नीचे वाला जो हिस्सा जो वर्टिकल मेंबर पे हॉरिजॉन्टल मेंबर का निचला वाला हिस्सा लगने वाला है वहाँ पे मार्किंग करके वो झरी मार लेना है वो कड़प्पे को भी, ठीक है, एक कड़प्पा, ठीक है, ये कड़प्पा का देखते हैं, इसको भी हॉरिजॉन्टल मेंबर का कड़प्पे को भी जो जहाँ वर्टिकल मेंबर आने वाले हैं अपने वहाँ पे ये जरी मार लेना है, ठीक है। ये मशीन के हिसाब से होता है, ये कटर मशीन रहता है, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह रहता है, उससे मार ये हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अपना हॉरिजॉन्टल मेंबर भी इधर उधर सरकेगा नहीं, ठीक है, बराबर उसमें फिक्स जाके बैठेगा, ठीक है। उसको उसके बाद में हमारा रहता है जो भी ग्रेनेड या फिर मार्बल वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है, थीके? तो ये इसको लगाने का कैसे लगाते हैं, जो भी हमारा कड़प्पा है, ठीक है, कड़प्पे के ऊपर हम सैंड का थोड़ा सा कच्चा माल बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा रेशियो, ठीक है, 1:12, है ना, 1:12 इस रेशियो में हम थोड़ा सा मिक्स बनाते हैं सैंड सीमेंट का, ठीक है। तो ये वाला हम कड़प्पे के ऊपर बिछा देंगे, ठीक है, कड़प्पे के ऊपर बिछाने के बाद में पूरा माल एक लेवल निकालेंगे उसका, ग्रेनेड रखने के बाद, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा रखने के बाद उसका एक लेवल निकालेंगे, अगर स्लोप देना है तो स्लोप देंगे, या फिर पानी पट्टी देना है पानी पट्टी देंगे, ठीक है ना, पनेरा देना है पनेरा देंगे, जो भी है जिसकी उस
जो कंडीशन है अपने पास उसके मुताबिक हम इसको ट्यूब लेवल के हिसाब से इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये लेवल में तभी रहेगा ट्यूब लेवल में जब हमको स्लोप वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है। अगर किधर अगर आप हमें स्लोप देना है तो ये 180 डिग्री में नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जिधर स्लोप रहेगा उधर से डाउन रहेगा, ठीक है। अभी हमारा एक पॉइंट रहता है कि कड़प्पा सबसे पहले हमारा वर्टिकल मेंबर फिक्स हुआ, ठीक है, झरी मार के वॉल में, ठीक है। उसके बाद में कड़प्पा हॉरिजेंटल मेंबर, ये भी कड़प्पे का ही रहेगा, तो वो वर्टिकल मेंबर पे बैठ गया झरी मार के, है ना, उसके खाँचे में। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सैंड और सीमेंट का 1:12 में, या फिर उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पक्का नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा हमने एक मिक्स बना लिया, ठीक है, मॉर्टर जैसा, तो ये कड़प्पे के ऊपर हमने बिछा दिया, ठीक है, एक लेवल में बॉटम की मदद से, ठीक है ना। उसके ऊपर ग्रेनाइट मार्बल जो भी हमें अच्छा आँखों से अच्छे दिखने वाली चीज़ है जो बिठाने वाली है वहाँ पे, तो ये कड़प्पे के ऊपर बैठा दी। फिर इसको चेक कर लिया 180 डिग्री में, अगर स्लोप देना है तो वो ये 180 डिग्री में नहीं, थोड़ा बहुत स्लोप के जगह पे डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अभी इसके बाद में हमें रहता है हमारा फेसिया पट्टी, जो भी हमारा समझ लीजिए ये किचन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये किचन प्लेटफॉर्म है और ये इधर इधर ये सामने वाली दिशा है, ठीक है। तो ये इधर यहाँ पे जो सामने एक पट्टी लगती है, ठीक है, इसको हम फेसिया पट्टी बोलते हैं, ठीक है। फेसिया पट्टी को भी हमें मोल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है, मोल्डिंग करके उसको बिठाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये फेसिया पट्टी निकल सकती है, ठीक है। इसको अच्छे से मोल्डिंग करके और अपना ये रहता है एरल्डाइट, ठीक है ना, एरल्डाइट से फेसिया लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये मतलब वो निकलेगा नहीं, ये इसी का यही नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। ये आप हार्डवेयर के दुकान में जाएंगे तो आपको दे देंगे, ठीक है, इसके अलावा उसका नाम तो नहीं है। अभी हमारा फेसिया पट्टी भी हो गया, ठीक है। अभी अपना एरल्डाइट का बॉन्डिंग के लिए, मतलब इसका मतलब भी आपको ये बता दिया मैंने, ठीक है, कि एरल्डाइट से चिपकाया जाता है। और एक पॉइंट था मेरा कि सैंड, हाँ, ये सैंड और सीमेंट की मदद से हम यहाँ पे कड़प्पे के ऊपर जो एक बेड किया था, ठीक है, ये मोर्टर से, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली कड़प्पे के ऊपर एक जो छानी हुई रहती, ठीक है, वो इसके ऊपर डायरेक्टली स्प्रे, मतलब इसके ऊपर कड़प्पे के ऊपर हम डायरेक्टली एरल्डाइट लगा के, अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो या फिर खर्चा करना चाहते हो तो डायरेक्टली कड़प्पे के ये अवॉइड कर देना है फिर आपको, और कड़प्पे के ऊपर डायरेक्टली एरल्डाइट लगा के वहाँ पे थोड़ा सा एक जैसा, है ना, छानी हुई रहती, थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड करना है, ठीक है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्प्रेड करना है। उसके ऊपर डायरेक्टली आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है, मार्बल ग्रेनेड वगैरह, तो वो भी 100% वो भी एकदम पक्का काम रहता है, ठीक है। अभी इसका भी प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, कैसे कैसे वर्टिकल मेंबर बैठता है, कैसे उसके ऊपर पेशिया, ये सॉरी, कैसे उसके ऊपर कड़प्पा आता है, उसको खाँचा कैसे मारते हैं, ठीक है, थीके? उसके ऊपर ग्रेनेट और मार्बल जो भी हम बिठाने वाले, वो कैसे आता है, फेसिया कैसे आता है, उसको एक चीज़ और भी रहता है, ठीक है, तो ग्रेनेट पॉलिश बोलते हैं, ग्रेनेट रहेगा तो उसको ग्रेनेट पॉलिश रहेगा, ठीक है ना, और मार्बल रहेगा तो उसको मार्बल का पॉलिश रहेगा, ठीक है। उसके एक अलग अलग से मशीन रहती है, ठीक है, मशीन एक ही रहेगा, उसका ब्लेड अलग रहता है, ठीक है, इसका ब्लेड अलग रहेगा, ग्रेनेट का, मार्बल का अलग रहेगा, ठीक है। तो चैम्पर कैसे किए, चैम्परिंग कैसे कहते हैं, ठीक है, क्या चैम्परिंग भी करना पड़ता है कुछ कुछ जगह पे, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल में। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को,
और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।